अक्सर छोटे बच्चों की मालिश करते समय माँ को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि अपने बच्चों की मसाज करते समय उसे किस अंग पर सबसे पहले मसाज करनी चाहिए और किस तरीके से मसाज करनी चाहिए। इसीलिए अपनी आज की इस वीडियो द्वारा मैं आपकी दोस्त आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चे की मसाज कर सकते हैं। बच्चे की मालिश करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो उसे फर्श पर लिटाएं। सबसे पहले फर्श पर एक अच्छा सा तौलिया, सूती तौलिया बिछा लीजिए और उसके बाद वनस्पति तेल से अपने बच्चे की मसाज कीजिए। ध्यान रखिए कि बच्चे की मसाज दूध पिलाने के बाद या फिर सोते वक्त ना करें। यदि आपका बच्चा मसाज करते वक्त रोने लगे तो उसे गले लगाकर चुप कराएं। ऐसा करने से बच्चा भी आपकी मसाज का पूरा मजा उठा पाएगा और ये सारी मसाज 6 माह तक के बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए की जाती है। बच्चों की मालिश करने के लिए और उनकी थकावट को दूर करने के लिए सबसे पहले शुरुआत उनकी टांगों से करें। अपने हाथों पर तेल लगाएं और उसे अच्छी तरीके से मलकर उनकी जांघों से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे पूरे पैरों पर मसाज कीजिए। एक पैर पर इसी तरीके से मसाज करते हुए दूसरे पैर पर भी सेम तरीके से मसाज कीजिए। पैरों की मसाज करने के लिए सबसे पहले अपने बच्चों के पैरों को दोनों दिशाओं में अच्छे तरीके से घुमाएं और उसके बाद हाथों पर तेल लगाकर टखने से शुरुआत करते हुए अपने बच्चों के पैरों की उंगलियों तक अच्छे तरीके से मसाज कीजिए। पहले एक पैर की मसाज कीजिए और फिर उसी प्रकार दूसरे पैर की मसाज कीजिए। एड़ियों की मसाज करने के लिए अपने अंगूठे को हल्के हल्के हाथों से आपके बच्चे की एड़ियों पर मसाज कीजिए। ऐसा करने से बच्चों को मजा भी आता है और उनकी थकावट भी दूर होती है। बच्चों के हाथ और भुजाओं की मसाज करने के लिए हल्के हल्के हाथों से उनकी भुजाओं के साथ धीरे धीरे नीचे करते हुए उनकी हथेली तकाएं और हल्के हाथों से मसाज कीजिए। ऐसा करने से बच्चों के हाथों की थकान दूर होती है। बच्चों की छाती की मसाज करने के लिए बच्चे को सीधा लेटाएं। ध्यान रखिए कि बच्चे ने उस समय दूध ना पिया हो और वो सो ना रहा हो। साथ ही साथ अपने हाथ पर अच्छे तरीके से तेल लगाएं और बच्चे की छाती के ऊपर के हिस्से से मालिश करते हुए अपने हाथों को इस पोजीशन में घुमाएं। इस पोजीशन में अपने हाथ को धीरे धीरे सर्कुलेट करें। ऐसा करने से बच्चे की पूरी छाती पर अच्छे तरीके से मसाज हो जाएगी। पीठ की मसाज करने के लिए बच्चों को पेट के बल लेटाएं और कंधों से लेकर पैरों तक हल्के हल्के हाथों से अपनी उंगलियों की सहायता से मसाज कीजिए। ऐसा करने से बच्चों की बैक पर आसानी से मसाज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान से टिप्स अपने बच्चों की स्टेप बाय स्टेप मसाज करने के लिए। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।